पुनित सागर अभियान और अमृत सरोवर संकल्प को साकार करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बड़ा तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंदगी और जलकुंभे से पटे तालाब को देखकर बच्चों में क्षोभ और रोष छा गया और उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालाब को साफ करना शुरू कर दिया। गंतव्य पर रवाना होने से पहले एनसीसी कैडेट्स की बस को प्राचार्य डिंपल शेखावत ने हरी झंडी दिखाई तथा अपने संबोधन में कहा, बच्चों आगामी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत आप एक पुनित कार्य हेतु प्रस्थान कर रहे हो। पुनित सागर अभियान और अमृत सरोवर संकल्प योजना का उद्देश्य है हमारे सरोवर स्वच्छ और अविरल रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आप स्वच्छांजलि देने के लिए जा रहे हो। बड़ा तालाब पहुंचकर बच्चों ने झाड़ू लगाकर घाटों को साफ कराया और कचरे को डस्टबिन में भरकर दूर फेंका और स्वच्छता की शपथ ली। बच्चों के इस कार्य को देखकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और कौतूहल से देखकर उत्साहवर्धन हेतु तालियां बजाने लगे। हिमांशी राठौर, वैष्णवी यादव, कोमल, अनुष्का, गौरव देव, राहुल ने सराहनीय कार्य किया। इस अवसर पर सूबेदार मनोज कुमार एवं परगट सिंह उपस्थित रहे। बच्चों ने ANO अरुण दीक्षित एवं हेमलता दिवाकर के निर्देशन में सराहनीय कार्य किया। बादाम सिंह एवं सुनील सिंह ने भी सराहनीय योगदान दिया। आर्मी स्कूल में गांधी जयंती के अवसर पर प्राचार्य डिंपल शेखावत के निर्देशन पर हम लोग यहाँ मोती झील पर जन जागरण अभियान के तहत बच्चे अपनी कक्षाएं छोड़ करके यहाँ तालाब में साफ सफाई करने के लिए आए हैं। यहाँ आकर के अत्यधिक रोष हुआ, सारा तालाब है जल कुंभियों से अटा पड़ा हुआ है। इतनी गंदगी तो पोखरों में भी देखने को नहीं मिल रही है। शासन प्रशासन क्या कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है? कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, फिर अपने कार्य में संलग्न हो जाता था, लेकिन यहाँ तो ये प्रशासन 6 महीने भी नहीं जागता है। या इस तालाब के अस्तित्व में संकट खड़ा हो गया है। इससे यहाँ के लोगों का रोजगार छिन गया। यहाँ मत्स्य पालन होता था, लोग मछली पालन करते थे, सिंघाड़े की खेती होती थी। इन हाथों से रोजगार छिन गया है और इस सब का जिम्मेदार तो छावनी परिषद ही है। सारी सड़कें इन्होंने सजा दी, लेकिन ये तालाब इतना गंदा पड़ा है, जब अगर ये जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो हम एक बूंद बूंद पानी के लिए तरफ जाएंगे। पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। जल ना होता तो ये जल जाता जग। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि वह त्वरित इस तालाब को साफ करके इसके पुराने गौरव पर लौटाएं। जय हिंद, जय भारत। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।